लिए बोल रहा हूँ, तेरे लिए। हाँ माइक लेके जा, दौड़ के शावर लड़के दौड़ के जा बीच में। हाँ सुनो, आप पिछले संडे यहाँ पर ऐसे खेल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था, है ना? पवित्र आत्मा से मैंने कहा था कि परमेश्वर इसको बेटा दे। कितने बेटे चाहिए आपको, जल्दी बताओ कितने बेटे चाहिए? एक, दो, तीन? दो। दो। इसको विश्वास है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरे घर में कौन अमरजीत, कौन है अमरजीत? अमनप्रीत मेरा नाम है। जोर से और ऐसे ही किसी का नाम है अजय, अजय हस्बैंड का। जोर से बोलो हस्बैंड का। जोर से सुनो सुनो, आपके घर में किसी के मोबाइल नंबर में आता है 99 आता है, 88 भी आता है, 88 और 99 भी आता है। हस्बैंड के नंबर क्या नंबर है? 88099। दो होंगे और आप रानी को भी जानते हो, रानी रानी रानी। होली स्पिरिट ने मुझे बोला, कह रहा कि आपको उसके लिए प्रेयर करना है और पवित्र आत्मा आपके जो हंसे, आप मैके से हो, मैके से परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा कह रहा कि मैं आज से कह रहा कि तेरे घर से अंधेरा हटा रहा हूँ, वो जाला लेकर आ रहा हूँ यीशु के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी आज रात के बाद, बेटे का आशीर्वाद आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय फेवर कर रहा है परमेश्वर। गंदी स्पिरिट आज के बाद इसके अंदर से इसी समय जाए। आज तेरा आखिरी टाइम है, योर टाइम इज एक्सपायर यीशु मसीह के नाम में। एक्सपायर। इसको बेटे की आशीष मिल रही आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा से छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए। सुनो मेरी बहन, सुनो, जिस दिन से आपकी शादी हुआ उस दिन से किसी ने आपके घर पे ब्लैक मैजिक किया और पवित्र आत्मा ने कहा मैं आजाद कर रहा हूँ। और किसी सोनू को हस्बैंड जानता है, सोनू कौन आपकी फैमिली में, आपको याद करो सोनू, उसके लिए दुआ करो। परमेश्वर का आत्मा आपके घर का सारा नक्शा चेंज कर रहा है आपके घर में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक 3 कमरों का मकान नहीं, 4 कमरों का मकान होने के लिए जा रहा है ईश्वर। बरकते यीशु, बरकते, बरकते यीशु, बरकते, 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 बरकते। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से तारीफ करें ईश्वर के नाम में। गवाहियों का समय, गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। सबको जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। मैंने 2-3 साल से जॉब के लिए इधर इधर भटक रहा था। मैंने बोला कोई जॉब मिल जाए तो मेरे घर के लिए अच्छा हो, तो मैंने बहुत प्रयास किया ताकि कहीं पर मेरे को नीम व्यवस्थित नहीं जॉब मिले। मैंने 1 साल तक वीडियो देखा है प्रॉफिट जी का, तो मैंने बोला कि एक बार चंडीगढ़ जाऊं और जाके मैं देखना चाहूँ चंडीगढ़ में कैसे प्रॉफिट जी प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर जाके मेरे को रिसीव मिली और मेरी यहाँ से जो मिट्टी दी थी तो वो मिट्टी यहाँ से मैं ले गया, ये यहाँ से मिट्टी दी थी, तो उस मिट्टी को मैंने जेब में रखा और सब दूर यहाँ से गया और मेरे को जॉब मिल गई और मैं आज मध्य प्रदेश कोटवार के रूप में ज्वाइनिंग कर चुका हूँ। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे। भाई ने रिसीव किया और प्रोफेसी हुआ, विश्वास किया, आज आपके सामने अपनी वर्दी में ड्रेस में यहाँ खड़ा है। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। जोर से ताली बजाएंगे, परमेश्वर की तारीफ। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है इसको बोन टीबी हो गया था, बैक की जो रीड की हड्डी में उसमें टीबी हो चुका था इस बहन को, और ये बता रही है कि वो टीबी की वजह से वो हड्डी गलने लगी थी और गल भी चुकी थी। और ये बता रही है जब चर्च में आई, विश्वास किया, एनॉइंटिंग वाटर लिया, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज करते ही विश्वास के साथ वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया, टीबी धुआं बन के उड़ चुकी है, रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है। मैं जिसी को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसी को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा। सभी को जय मसीह की। मेरे शरीर में
रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गई थी, मैं चल नहीं पाती थी। डॉक्टर को दिखाया, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ चंडीगढ़ चर्च आई, यहाँ से एंटीगॉल और वाटर लिया, यूज किया, मैं चंगी हो गई। कितने पैसे बोले थे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने? 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख रुपया डॉक्टर ने खर्चा बताया था। और ये बहन बता रही है कि इसने विश्वास किया यहाँ पर आकर, ऑपरेशन कैंसिल हो गया, आजाद हो गए, फ्री हो चुके टोटली। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आंखों से पर्दे घटाओ। जे इस भाई की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। इस भाई का नाम मनीष और ये फरीदाबाद से हैं। ये बता रहे कि इनको टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी और इसका कोई इलाज नहीं है और इनको दोबारा से टीबी होगी। लेकिन जैसे ये चर्च में आए और आपसे स्पेशल हैंड प्रेयर कराई, ये बता रहे कि इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है। ओ मुक गई, मुक गई, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। बोलो यीशु मसीह की जय। आपके सामने गवाहियां, पापा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मेरे गवाही यही है, मेरा बेटा मनीष नाम है इसका, तो पहले बहुत बीमार था, टीबी का बीमार हो गया था, पसली में पानी भर गया था, मतलब 2-3 महीना ऐसे पड़ा रहा था। फिर इलाज करवाया, पूरा टीबी का दवाई खाया था 8 महीना, फिर उसके बाद सही हो गया था। फिर दोबारा ऐसे टीबी हुआ था और पसली में पानी भर गया था मेरे। शाबाश शाबाश। यहाँ पे प्रॉब्लम था आपको, कैसे ठीक हुए बेटे? टीबी बुखार टाइफाइड बन गया कैसे था। कैसे ठीक हुए आप? कैसे ठीक? पसली में पानी भर गया था। पसली में पानी भर गया था। हाँ खान। कैसे ठीक हुए आप? ठीक है, यहाँ पे लिए हैं, प्रार्थना करवा के गया था और यहाँ से जाते खाने बिल्कुल ऐसे लग रहा था कुछ हुआ नहीं। आप ठीक होंगे, प्रार्थना कराया करें, टीबी की प्रॉब्लम खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। रिपोर्टें नॉर्मल है, जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रोफेट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है ये बहन तारी। लास्ट मंथ मैंने स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई और लास्ट ईयर क्रिसमस के लिए बड़ा बीज बोया था। आपने बोला था कि इस साल में जो काम आपके नहीं बने इस साल में बनने वाले। बताइए, मैंने रिसीव किया, परमेश्वर ने बहन को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, प्लॉट की आशीष मिली और इनके ब्रदर की जो सैलरी थी 70,000 थी। आपने जो प्रोफेसी किया बताइए, 70,000 से बढ़कर 2 लाख पर मंथ के साथ ब्लेस हो चुका है। वो दिता जो या ना दिये सुने, कभी ना किसे तो खोया। दिता जो या ना दिये। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। पापा जी हमारी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, हमने लास्ट ईयर भी सीड बोया और इस मंथ के फर्स्ट वीक में भी हमने स्पेशल सीड बोया। उसके बाद हमें परमेश्वर ने 22 लाख के प्लॉट के साथ ब्लेस किया और भाई को भी आर्मी में प्रमोशन मिली। पहले उसकी 70,000 सैलरी थी पर मंथ, अब उसकी सैलरी भी 2 लाख हो गई है। गवाही के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। 2 लाख सैलरी होगी है। आप सुन रहे हैं, परमेश्वर मिराकल करता है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जो बीज बोने पर भरोसा रखते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करते हैं। मैं स्टेज से प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि आप सबको दिखाई दूं। आपको विश्वास करना है, प्रभु का आत्मा यहाँ पर है, कोई जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। ईश्वर का आमेन। बाहर का गेट बंद कर दें, कोई पानी पीने नहीं जाएगा। मैं इतनी ठंड में प्रचार कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई अपनी बेटी की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 1 महीने से इनकी बेटी के घुटने में गांठ हो गई थी और वो स्वेल हो गया था बहुत ज्यादा और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो इन्फेक्शन के कारण, गांठ के कारण के पैर भी काटने पड़ सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि विश्वास किया इन्होंने, एंटी ऑयल वाटर यूज किया उसकी गांठ के ऊपर और ये बता रहे हैं वो गांठ अपने आप फूट गई और ये चंगी हो गई। रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है, आजाद हो चुकी है, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। घबराई ना, डरी जाई ना, घबराई ना, डरी जाई ना, ओदे आप तानू देवेगा वो डाल डाल डाल। मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल ना, मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल ना, मैं जिते जावा यीशु मेरे नाल नाल ना। हालेलुया बोलो, हालेलुया। कुछ लोग गूगल देखकर घर से निकलते हैं मौसम देखकर। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, आपके लिए सब दिन अच्छे हैं, सब मौसम अच्छा है। गिल्टियां गांठे थी और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। हाँ सुनेंगे गवाही को, शाबाश।
हाँ, उसके डैडी को दो। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से आपकी लड़की के टांग पर गांठें हो गई थी, ट्यूमर बन सकता था, बताया था डॉक्टर ने? हाँ, ट्यूमर बन गया। ट्यूमर बन गया था, और कैसे ठीक हुए? वो ऑयल वाटर लगाया और ये इधर से प्रेयर कराया। ऑयल वाटर लगाया, इधर से प्रेयर कराया, और अभी वो गिल्टियां गांठें एकदम साफ है। कह रहे बिल्कुल साफ हो गई है यीशु मसीह के नाम में। बताएं बताएं, शाबाश, अपने आप बताएं सबको। जय सारी कलेसियों को जय मसीह की। हाँ, जय मसीह। पापा जी की जय मसीह की। हमारे ये बेटे की गवाही है कि मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर देख के रिपोर्ट देख के बोला था ये इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, डॉक्टर बोला 60,000 रुपये लगेगा। मैं बोला मेरे पास तो नहीं है। मैं घर पे आके फिर प्रार्थना किया, इधर से चंडीगढ़ से इधर से प्रार्थना कराया, वो उसके बाद में एक दो दिन बाद में पूरा एकदम चंगे हो गए। बिल्कुल गिल्टियां गांठें साफ होगी। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। जय मसीह की। पापा जी, सारी कलेसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरे फादर को 1 साल से स्किन एलर्जी हो गई थी और मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिया। पापा हमारे रात रात में रोते थे और वो ना गर्मियों में पाउडर लगा के सोते थे, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। पड़ोसियों से कहते कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा नहीं। फिर मैं उनके यहाँ लेके आई, ले हैंड प्रेयर कराई, ऑयल वाटर लेके दिया उनको और सोप भी लेके गई, उन्होंने यूज किया, प्रोफेसी को भी रिसीव किया। आज वो 1 साल की स्किन एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो गए यीशु मसीह के सामने। तेरे कलाम दिया गला यीशु जान पा दे दिया। तेरे कलाम दिया गला यीशु जान पा दे दिया। शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट। आप कितने लोग जानते हैं कि एलर्जी जिसको होती है उसी को पता होता है, सारा दिन खारिश करता रहता है, कपड़े पहनेगा तो खारिश। किसी को एलर्जी हुई है कभी? एलर्जी कई बार स्किन एलर्जियां कैंसर का भी जन्म ले लेती हैं कई बार। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने प्रेयर कराया परमेश्वर ने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, आप प्रोफेसी कर रहे थे बेबी ब्लेसिंग के लिए और ये बता रहे हैं काफी सालों से ये इस आशीष को परमेश्वर ने मांग रहे थे, पर आपने इनके लिए प्रोफेसी किया, जाओ परमेश्वर आपको बेटे की आशीष से ब्लेस करेगा। और सालों साल से इनके पास बच्चे नहीं थे, आपकी प्रोफेसी के तुरंत बाद ये आशीषित हुए और परमेश्वर ने इन्हें बेटों के साथ ब्लेस किया है। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच। आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ तेरा भला हो जा। इतनी सर्दी में भी गवाही देने आए हैं, ठंड में भी। आप हर संडे सुनते हैं कि सबको परमेश्वर ने आशीष दिया, कभी किसी की पथरी गई, रसोलियां गई, कैंसर की प्रॉब्लम थी चली गई, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हुए, हर प्रकार की आप गवाही सुनते हैं। और देखो लाइन लगी। हाँ बेटे, कब से बेटा नहीं था? 3 साल से। 3 साल से। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से बेटा नहीं था। कैसे मिली आशीष? एप्पल मीटिंग में आए थे। एप्पल मीटिंग में आए थे और आज बेटे के साथ आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, देखो कब से बेटा नहीं था बेटे? 3 साल से। 3 साल से। कैसे मिली आशीष? स्पेशल प्रार्थना कराई थी। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से आए। आप कहाँ से आए? यूपी से आए। और देखो आज बेटे के साथ आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कब से बेटा नहीं था? 6 साल से। 6 साल से। कहाँ से आए आप? यूपी कासगंज से। 6 साल से बेटा नहीं था। कैसे मिली आशीष? मेरे हस्बैंड अनॉइंटिंग और वाटर ले गए थे, उससे मैंने लगाया, उससे मुझे आशीष मिली। आशीष मिली। आज बेटे के साथ आए हो। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह का नाम। देखो 6 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल। कहाँ से आए बेटे? हरियाणा से पापा जी, रोहतक से। हरियाणा से, रोहतक से। कितने साल के बाद आशीष मिली? 7 साल के बाद। 7 साल से कोई बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने आज आशीष दिया, बेटे की आशीष। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितने साल के बाद बच्चा हुआ? 7 साल के बाद। कहाँ से आया? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कहाँ से आया आप?
लखनऊ से, लखनऊ से, यूपी से। कितने साल के बाद बच्चे की आशीष मिली? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद कैसे मिली आशीष? मैं गुड फ्राइडे वाले दिन यहाँ आया था, 1.5 साल पहले। हाँ। मैंने यहाँ पे 32वां लिया मियाँ बीबी ने। हाँ। उसके बाद यहाँ से आशीष ली, उसको रिसीव किया। परमेश्वर ने आशीष दिया, कह रहे जब ने बैप्टिज्म लिया पिछले साल आए थे और आज ये गवाही के साथ आए हैं यीशु मसीह के नाम में। 1.5 साल से कोई बच्चा नहीं था आपके पास, और कैसे मिली आशीष? मैंने स्पेशल बीज बोया और पापा जी से स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो रहा है कहा, मैंने उसे रिसीव किया और मैं आज बेबी बॉय से ब्लेस हो। कहाँ से आए आप? कहाँ से? छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर से, वही जहाँ पर हिल गया छत्तीसगढ़ जी, जोर बेदारी आ गया वहाँ, बेदारी आ गया वहाँ पर। सारे बोलो हालेलुया। और भूकंप भी आ गया वहाँ पर। परमेश्वर आशीष दे। देखो कितने लोगों ने सुना छत्तीसगढ़ में। मैं स्टेज पर आकर कह रहा था छत्तीसगढ़ में जाने नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर छत्तीसगढ़ को हिला रहा है। और अभी एक 15 दिन पहले वहां पर बहुत बड़ा भूकंप है, हिल गया। कहते पहाड़ों में सुना था भूकंप आना चाहिए, छत्तीसगढ़ में कैसे आ गया? तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आपके सामने यहाँ पर लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग बेटे के साथ आए हैं। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। हाँ। भाई बता रहे कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन रुकी हुई थी। हाँ। बहुत सालों से आपने इस भाई ने स्पेशल बीज बोकर जब ले हैंड प्रेयर करवाया। हाँ। आपने प्रोफेसी के था कि जो पोस्ट आप सपने में भी नहीं सोच रहे परमेश्वर वो देने वाला है। बता रहे रिसीव किया। हाँ। रेलवे के अंदर परमेश्वर ने असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के साथ ब्लेस किया यार। कदे आया करो, कदे जाया करो। देखो स्क्रीन पर देखो, इसके लिए प्रेयर हो रही है, इसकी फैमिली के लिए प्रेयर हो रही। कौन कौन प्रेयर करा रहा था? ये हमने करवाया था। और देखो 15 सितंबर को कराया था ले हैंड प्रेयर। आपने बोला था कि प्रमोशन का भी मैंने मांगा था, आपने बोला कि जाओ प्रमोशन की तैयारी कर, प्रमोशन हो रहे हैं। हाँ, ये परमेश्वर है। आपकी वाइफ भी आई थी यहाँ पर? हाँ, वाइफ भी आई थी, मेरी डॉटर भी आई है। आपके डॉटर भी आए थे प्रेयर करा रहे थे। हाँ। वो आप ही करा, देखा स्क्रीन पर आप ही है वो, देखना कहाँ गए। हाँ, वो रे वो रे वो रे वो रे, कौन है आप? गिर गई है वो, के लिए मैंने उसके लिए करवाया था और। हाँ। साथ साथ मैंने भी करवाया था। आपने प्रेयर कराई थी प्रमोशन के लिए। हाँ। और अभी प्रमोशन हो गया? हाँ, प्रमोशन हो गया, लेकिन वाइफ का सर सफेद आ गया, वो पिताजी नहीं हुआ। हाँ, तो एक बार में थोड़ी हो जाएगा। ऐसे तो चर्च में आई गई नहीं कोई है। आपका काम बन गया ना। देखो आपके सामने कहते प्रमोशन हुआ रेलवे में डायरेक्टर, ये किसी को भी नौकरी लगवा सकता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? अरे बता देगा चुपचाप। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एग्जाम देखो आपके सामने गवाहियां हैं, लाइन लगी हुई है कि थायराइड था गया, गिल्टियां कानों में सुनता नहीं था, बहरापन था गद, और देखो कानों में क्या चली गई थी बेटे आपके? क्या चली गई थी? फॉर्म क्या होता है? अच्छा, कानों में कुछ घुस गया था और बाहर आ गया। प्रार्थना कराते ही करे थायराइड था, सोलियां, गिल्टियां, किसी का बिजनेस बंद पड़ा, किसी को एक्टिवा मिली, किसी को दुष्ट आत्मा सताती थी सालों साल से। आजाद हो गए। बेबी नहीं था 6 साल से, बेटा नहीं था आपकी लड़की के पास। किसके पास? मेरी बहन है। तेरी बहन के पास? एप्पल मीटिंग में लेके आई थी तो क्या हुआ? उसका बेटा हुआ। अभी क्या मिला? बेटा। बेटे की आशीष मिला यीशु मसीह में। जोर से तारीफ करो। 10 साल से है? 10 साल। कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से, करनाल। हम हरियाणा से, हम भी करनाल से हैं, हमारे एरिया के पप्पो। तो सुनो पवित्र आत्मा आशीष दिया, अभी बवासीर नहीं है। नहीं, कैसे ठीक हुए आप? मैंने उपवास भी रखा था यहाँ पर, मैं पिछले संडे को यहाँ पर आई थी और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल भी लिया, यूज करा था पिछले संडे, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया और इसी हफ्ते गवाही आ गई। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। देखो सब सिर पे हाथ रखे, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते, बच्चा भी गोल्ड मेडल जीत कर आया। ताड़ी बजाओ भाई जोर से यीशु मसीह के नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु तेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता इनकी जिंदगियों में आशीष डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में।